हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वैभव टॉक्स। आई एम वैभव, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वैभव टॉक्स में। एंड आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज सुडो कोड। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पर सी लैंग्वेज का एक कंप्लीट सीरीज बना रहे हैं, जहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो पे बात किया था व्हाट इज फ्लो चार्ट, राइट। तो आप सभी को अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ, ये जो फ्लो चार्ट है और ये जो हमारा सुडो कोड है, ये आपस में इंटर रिलेटेड टॉपिक्स है। मतलब क्या है इसका थोड़ा मतलब बताओ भैया। तो ठीक है, मैं अभी वो भी बताता हूँ। यार देखो, अगर आप फ्लो चार्ट वाला वीडियो नहीं देखे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यार देख लेना, क्योंकि एग्जाम में भी वहाँ से पूछा जाता है और आपको एज अ प्रोग्रामर वो जरूरत भी होगी अगर आप एक बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, थोड़ा मैं एक रफ वर्क में थोड़ा आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। जैसे कि मान लो आप एक प्रोग्रामर हो, राइट, आप एक कंपनी में काम करो, कंपनी वाले ने आपको दिया कि आपको एक बड़ा सा एक ऐप बनाना है लाइक मेडिकल से रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट जाकर कोडिंग करने नहीं लगोगे, राइट। आपको सबसे पहले रफ वर्क करना पड़ेगा, राइट, कि यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ये कोड करूंगा, थोड़ा फ्लो चार्ट बनाओगे तो फ्लो चार्ट वहां से हो गया। आप डायग्राम वे में थोड़ा समझ रहे हो कि ये बटन को क्लिक करने पर यहाँ जाना चाहिए, वो फ्लो चार्ट हो जाता है। वही चीज अगर आप रफ वर्क में करने लगते हो, लाइक कॉपी में लिख रहे हो कि मैं पहले यहाँ पर ये करूंगा फिर ऐसे करूंगा, तो वही चीज है हमारा सुडो कोड, और कुछ भी नहीं होता है सुडो कोड, राइट। तो उससे पहले जाने से सुडो कोड में थोड़ा तो आपको मिल गया होगा कि क्या होता है ओवरव्यू। अभी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है, थोड़ा आपको और भी एग्जाम्पल समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक बार और एक चीज बता देता हूँ। ये जो सुडो कोड होता है और जो फ्लो चार्ट होता है, ये एक वे है, मतलब एक रास्ता है जहां पर सभी प्रोग्रामर को होकर जाना ही पड़ता है अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो। वो कोई भी प्रोग्रामर इतना भी दिमागदार नहीं कि डायरेक्ट जाकर वो कोडिंग में बैठ जाएगा, उसको सबसे पहले रफर करना पड़ेगा अगर एक बड़ी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है, राइट। अगर आप जब डीएसए करने जाओगे तो वहां पास भी आप जब अच्छी अच्छी प्रॉब्लम आएगी हार्ड लेवल मीडियम लेवल की, तो आप वहां पर सबसे पहले रफर करोगे, सुडो कोड लिखोगे। फ्लो चार्ट बहुत कम ही लोग बनाते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पर सुडो कोड का आप यूज करोगे ही करोगे, राइट। जैसे कि मैं डीएसए करता हूं तो मैं पहले रफर करता हूं, तो वही चीज होता है सुडो कोड और कुछ भी नहीं। तो अब एग्जाम में कैसे लिखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको तो अभी तक सब समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं थी। तो देखो, सबसे पहले सुडो कोड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ फेक कोड। ये एक फेक कोड है, मतलब ये कोई एक कोई सिंटेक्स फॉलो नहीं करोगे आप। जैसे कि सी लैंग्वेज के कुछ सिंटेक्स होते हैं कि प्रिंट ऑफ लिखना है, राइट, सी प्लस प्लस के सी आउट लिखना है, ऐसा हमारा सिंटेक्स होता है, लाइक पाइथन में प्रिंट लिखो बस हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, तो आप भले आप पी भी लिख दोगे ना तो वो समझ जाओगे, ठीक है। बस वही चीज़ है, अगर आप बस प्रिंट लिख दोगे प्रिंट ए, मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, बस ऐसा होता है। अभी एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। तो फेक कोड है, मतलब यहाँ पर कोई सिंटैक्स फॉलो नहीं करेंगे, इसका मतलब ये होता है फेक कोड का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ एन इनफॉर्मल एंड रफ वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। देखो, पहला लाइन में ही आपको सब चीज़ क्लियर हो गया होगा, इट इज़ अ इनफॉर्मल एंड रफ वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम, जो कि आप जब कंप्यूटर में बैठोगे, जब आप कोडिंग करते हो अपने आईडी पे करते हो कोडिंग, ठीक है, तो वहां पर आप लोग एक सिंटैक्स फॉलो करते हो, जो भी प्रोग्राम है उसका सिंटैक्स फॉलो करते हो, राइट, कि यहाँ पर प्रिंट के लिए ये करूँगा, उसके बाद मैं से प्रिंट इनपुट लेने के लिए मैं सी इन लिखूंगा। जैसे कि मैं सी प्लस प्लस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप स्कैन अप वगैरह आप यूज़ करते हो, राइट, तो वैसे करोगे। लेकिन यहाँ पर कोई वैसा कोई फिक्स नहीं है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज़ अ इनफॉर्मल रफ वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम, सो दैट प्रोग्रामर कैन अंडरस्टैंड वॉट ही हैव टू डू नेक्स्ट, राइट, मतलब उसको समझ में आना चाहिए कि उसको क्या स्टेप्स लेने हैं, ये बोलना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर देखो मैं क्या लिखा हूँ, इन विच सीक्वेंस एंड इंस्ट्रक्शंस, जिसको यहाँ पर इसको भी छोड़ दो, अभी मैं आपको बताता हूँ। In which sequence and instruction in a form that human can easily understand, मतलब ऐसा सीक्वेंस में लिखा जाता है कि कोई भी इंसान, कोई भी बंदा अगर एक प्रोग्रामर है, वो सॉल्व करने जा रहा है, तो उसको रफ वर्क में ऐसा लिखा है कि वो समझ सके कि वो क्या कर रहा है, राइट। तो बस यही चीज यहाँ पर मैंने लिखा, इन विच सीक्वेंस एंड इंस्ट्रक्शंस। देखो, इंस्ट्रक्शन जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑल्सो नोन एज, AKA का मतलब क्या होता है, ऑल्सो नोन एज शॉर्ट फॉर्म है, ऑल्सो नोन एज एल्गोरिदम्स। जैसे कि आप DSA जब पढ़ोगे, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, तब आपको ये वर्ड्स वगैरह समझ में आएंगे। एल्गोरिदम कुछ भी नहीं है, जैसे कि मान लो एक आपको दो नंबर को ऐड करना है, राइट, दो नंबर को ऐड करने बताएंगे, उसका तो कोई अलग से एल्गोरिदम नहीं है। जैसे कि मान लो आपको कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आप एक अलग तरीके से कर रहे हो और आपका जो दोस्त है वो अलग तरीके से कर रहा है, तो दोनों के एल्गोरिदम्स अलग है, क्या बोलोगे, उसका तरीका करने का अलग है, ये तो बोलते हैं हम लोग इनफॉर्मल में। अगर फॉर्मल प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में क्या बोलोगे, उसका एल्गोरिदम अलग है, मतलब वो अलग तरीके से सॉल्व किया, उसका मेथड अलग है, ये बोला जाता है, राइट। तो एल्गोरिदम वही होता है, तो आप जो भी एल्गोरिदम्स लिखते हो वो रफ वर्क में होता है, सो डैट आप कोई भी समझ सके, कोई प्रोग्रामर से आप समझ सको और आप आराम से उसके हेल्प से इंप्लीमेंट कर सको अपना कोड को हमारे आईडी में या जहां भी आप कर रहे हो, राइट।
सो यार यही था स्यूडो कोड, और कुछ भी नहीं है स्यूडो कोड में। देखा आपको 4 मिनट में मैंने बस आपको पूरा समझा दिया कि स्यूडो कोड क्या होता है, विद आपको फ्लो चार्ट भी बता दिया मैंने जो प्रीवियस टॉपिक था, राइट। तो कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आपको एग्जाम में लिखना है 2 से 3 पेज, तो कैसे लिखोगे? बस भैया डेफिनेशन लिख देंगे, 8 नंबर मिल जाएगा क्या, 4 नंबर मिल जाएगा क्या? नहीं, तो आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। ये देखो मोस्टली एक कॉलेज स्टूडेंट को बता रहा हूँ, जो अगर यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है तो 4 नंबर में पूछा जा जाता है इसको, तो आप देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पास देखो डेफिनेशन तो लिखोगे, साथ में एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, यही तो मेन है, इससे समझ में आएगा। आपको क्वेश्चन भी आएगा कि स्यूडो कोड लिखो 2 नंबर को ऐड करने का, स्यूडो कोड लिखो पैलिंड्रोम नंबर का, आर्मस्ट्रांग नंबर का, ऐसे आता है क्वेश्चन, ठीक है। डेफिनेशन भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो सम ऑफ ए एंड बी, 2 नंबर को ऐड करने का हम लोग यहाँ पर जैसे प्रोग्राम लिखते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पर स्यूडो कोड कैसे लिखते हैं देखते हैं। फ्लो चार्ट वाले वीडियो में भी मैंने बताया था 2 नंबर को ऐड करने का फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, तो आप वो भी देखना। फ्लो चार्ट इज नथिंग बट आप बोल सकते हो अ ग्राफिकल वे टू रिप्रेजेंट अवर कोड, मतलब एक ग्राफिकल वे है जिससे की मदद से हम लोग अपने कोड को, हम जो क्या करने वाले हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। एंड स्यूडो कोड इज नथिंग बट अ रिटन वे ऑफ शोइंग व्हाट वी वांट टू डू, राइट, और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर देखो सम ऑफ ए एंड बी, 2 नंबर को ऐड करने का, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जैसे कि हम लोग इसके प्रिंट ऑफ करते हैं कि इंटर 2 नंबर्स, उसके बाद हम लोग स्कैन ऑफ की मदद से उसको इनपुट में लेते हैं, राइट, जैसे कि C++ में सीन करते हैं, वैसे यहाँ पर हम लोग बस रीड लिख सकते हैं। आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर चाहे तो इनपुट भी लिख सकते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पर 2 नंबर को इनपुट में ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने रीड लिख दिया कि मैं 2 नंबर को इनपुट में ले रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। तो रीड ए एंड बी, रीड वगैरह क्या होता है, थोड़ा फॉर्मल हो जाता है, मतलब एक फॉर्मल वे में होता है। आप जैसे कोई भी टेक्स्ट बुक में देखोगे, इंटरनेट में देखोगे, आपको थोड़ा रीड वगैरह दिखेगा, लेकिन कोई इसको फॉलो नहीं करता, आराम से आप इनपुट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर रीड ए एंड बी, फिर आपको सम करना है, तो सम ए प्लस बी करोगे, उसके बाद प्रिंट सम कर दोगे। तो अगर आप एक बच्चा है, उसको एक बच्चा मतलब 6th क्लास का बंदा है, ठीक है, 6th क्लास का बच्चा है, उसको बोलोगे इसका प्रोग्राम कैसे लिखोगे, तो वो रफ वर्क में कैसे बताएगा आपको कि सबसे पहले तो मैं 2 नंबर को लूंगा, तो मैं यहाँ पर रीड ए एंड बी करूंगा, उसके बाद मैं सम करूंगा तो सम इक्वल टू ए प्लस बी करूंगा, उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा तो प्रिंट सम कर दूंगा, तो ऐसे ही बताएगा ना। तो बस वही है, रफ वर्क है, उसके बाद इसको देखते देखते आपको यहाँ पर कोडिंग करनी है। ये तो बस एक छोटा सा प्रोग्राम था यार, अब जब एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना, हार्ड लेवल, मीडियम लेवल, DSM है, तो आपको एक अच्छा खासा पेज भरता है, ड्राई रन करना पड़ता है कोड्स को, अपने प्रोग्राम को, आपको यहाँ पर स्यूडो कोड्स लिखने होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्वेश्चंस। अब देखो 2 नंबर क्या है, एक है प्रिंट ट्वाइस ऑफ ए, मतलब एक नंबर है जैसे कि ए में ले सकते हैं हम लोग लाइक 5 का डबल क्या होता है, 5 का डबल 10 होता है, तो वही उसी चीज़ का प्रोग्राम है। तो आप प्रोग्राम में कैसे करोगे, सबसे पहले यूजर से इनपुट लोगे, सबसे पहले प्रिंट करोगे प्रिंट ऑफ इंटर अ नंबर, उसके बाद स्कैनर से आप क्या करोगे %d %m ऐसे करके इनपुट में लोगे, ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल बनाकर उसमें स्टोर कर सकते हो, राइट, दो ना, उसको क्या करोगे, जैसे कि एक ए वेरिएबल में लिए हो तो एक अलग से एक वेरिएबल बनाओगे, उसके अंदर आप क्या कर दोगे 2 into में उस नंबर को इंटू कर दोगे, तो वहाँ पर स्टोर हो जाएगा उसका ट्वाइस, फिर आप प्रिंट ऑफ करके उस नंबर को प्रिंट कर दोगे, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पास है, देखो रीड करेंगे सबसे पहले, रीड द वैल्यू ऑफ ए, तो मैंने यहाँ पर रीड कर लिया एक नंबर को ए, फिर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ट्वाइस, तो एक ये क्या है कैलकुलेट ट्वाइस, मतलब बस आपको पता है मैं एज अ प्रोग्रामर लिख रहा हूँ, मेरे को अब कैलकुलेट करना है ट्वाइस, तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल जैसा बना दिया, कैलकुलेट ट्वाइस करने का मैं एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है, मतलब एक वेरिएबल है जहाँ पर मैं ट्वाइस को स्टोर करूँगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कह दिया 2 into में ए, मेरे को समझ में आ रहा है, एज अ प्रोग्रामर देखो, राइट, ये आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि रीड लिखो, यहाँ पर आप इनपुट लिख सकते हो, एंटर लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कैलकुलेट की जगह आप कुछ नहीं, ये कैलकुलेट हटा भी दोगे तो आप ट्वाइस लिख दो इक्वल टू 2 into A, मतलब मैं ट्वाइस कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रिंट, या फिर देखो यहाँ पर देखो प्रिंट भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप रिटर्न भी लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर स्लैश कर दिया ताकि आपको बता सकूँ, प्रिंट भी कर सकते हो रिटर्न, और इस वेरिएबल के अंदर मेरा 2 into A तो मैं इसको रिटर्न कर दिया, बस डैट्स इट, इतना ही है हमारा 2 नंबर, 1 नंबर का ट्वाइस निकालने का प्रोग्राम, एज अ स्यूडो कोड बता रहा हूँ ना, स्यूडो कोड बता रहा हूँ। अब प्रोग्राम लिखोगे तो आपको पता है कैसे प्रोग्राम लिखोगे, अगर नहीं पता है तो मैं अभी अब अगला जो वीडियो है प्रोग्रामिंग का आने वाला है पूरा बताएंगे, ठीक है। वेरिएबल से चालू करेंगे हम लोग, पूरा डेटा टाइप वेरिएबल, बेसिक चीज़ से लेकर एकदम फंक्शन वगैरह सब चीज़ देखेंगे, स्ट्रक्चर वगैरह तक आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो यही था यार स्यूडो कोड, और कुछ भी नहीं है स्यूडो कोड में, स्यूडो कोड इज नथिंग बट अ रफ वर्क बोल सकते हो आप, या फिर आप बोल सकते हो रफ वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम भी बोल सकते हो, रफ वे ऑफ राइटिंग कोड्स बोल सकते हो, या फिर रफ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अवर आइडिया, ये सब बोल सकते हो। देखो मैं अपने मन से ही बता दे रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है, राइट,
अब जब आप थोड़े एक हायर क्लासेस में जाओगे, क्लासेस बोल रहा हूँ राइट, हाँ हायर सेमेस्टर में जाओगे, तो आप जब DSA करोगे तो आपको पता रहेगा कि यार कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, एक्चुअल यूज़ पता चलेगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ है और कुछ भी नहीं है। तो यार देखो छोटी छोटी टॉपिक से लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको एक्चुअल में इसका यूज़ करोगे जाकर, राइट। रफर कर रहे उसी को सूडो कोड बोलते हैं, आपको भी नहीं पता होगा ये टॉपिक पूछ लिया जा रहा है एग्जाम में, लेकिन रफर जो करते हैं हम लोग उसी को बोलते हो, मेजरली यूज़ होता है अगर आप DSA करोगे। तो यही था पूरा चीज़ है सूडो कोड के बारे में। तो होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो यार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको पता चले। आप लोग जितना यहाँ पर सपोर्ट करोगे, लाइक शेयर कमेंट वगैरह करोगे, तो चैनल की रीच भी बढ़ेगी। सो यही मेरे को बस बोलना था। सो आपको होप वीडियो पसंद आया, अगर आप वीडियो पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat.